हाय गाइस वेलकम टू माय चैनल कैसे हो आप सब होप तो आप लोग अच्छे होंगे तो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे मैम डिस्क्रिप्टिव के ऊपर बताओ कैसे टैगल करना है ठीक है देखो मैं आईबीपीएस पीओ में फर्स्ट टाइम बैठी थी फर्स्ट टाइम मैंने डिस्क्रिप्टिव का पेपर दिया और फर्स्ट टाइम मैं क्लियर कट गई ठीक है और सबसे मेन रीज़न मेरा डिस पी का फॉर्म डालने का ये था कि मुझे डिस्क्रिप्टिव पेपर से बहुत डर लगता था लगता था कि ये मेरे बस का बात नहीं है ना क्योंकि आप जब यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखोगे तो वहाँ डिस्क्रिप्टिव के बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं कि वर्ड्स भारी भरकम वर्ड्स का यूज़ करो यूनिक वर्ड्स का यूज़ करो डिफ़रेंट टाइप ऑफ वर्ड्स का यूज़ करो ऐसे लिखो यहाँ कौमा दो यहाँ पर कुछ करो है ना काफ़ी अच्छा लिखो सजा के लिखो थॉटफुल लिखो तो ये सारी चीज़ें मेरे बस की बात नहीं थी जो ऐसे स्टूडेंट जिनका बेसिक अच्छा नहीं है जिनकी स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई है जिन्होंने कभी लेटर अपने लाइफ में नहीं लिखा कभी ऐसे नहीं लिखा उनको अगर एक भारी भरकम ऐसे लिखने को बोल दिया जाए मेरे ख्याल से मेरे केस में तो ऐसा मेरे साथ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि मैं बहुत बड़े बड़े थाट्स ले कुछ भी लिख पाऊँ है ना तो इस कारण से मैं फॉर्म नहीं अप्लाई करती थी लास्ट में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था ओनली पीओ था तो मैंने सोचा कि इस बार मैं पीओ फॉर्म डालती हूँ देखती हूँ कि मेरे कितने स्कोर आते हैं अगर आठ नौ दस भी स्कोर आते हैं तो फिर मैं नेक्स्ट ईयर क्लियर कर लूँगी ये मेरी सोच थी ओके तो इस सोच के साथ मैंने पी फॉर्म अप्लाई किया था और मैं बता देती हूँ दोस्तों बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने आ, पेपर दिया था बहुत ही ईजी लैंग्वेज ठीक है बहुत ही ईजी लैंग्वेज में पेपर मैंने दिया था पेपर कहने का मतलब ऐसे और लेटर आ, राइटिंग मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में दिया था अच्छा इसके पहले अगर आ, आ, आपको ऐसे और लेटर के लिए कोई पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में एक पीडीएफ शेयर कर देती हूँ डिस्क्रिप्शन क्या हो रहा है डिस्क्रिप्शन और कमेंट में एक पीडीएफ शेयर कर देती हूँ ओली बोर्ड का ओली बोर्ड का पता ही है कि अच्छा कंटेंट देते हैं तो उसमें आपको बहुत टाइप ऑफ लेटर और बहुत टाइप ऑफ ऐसे मिल जाएंगे कि किस तरह के ऐसे और किस तरह के लेटर आएंगे जैसे मैं जो बता रही हूँ वो तो आपको फॉलो करना ही है लेकिन कुछ आइडिया भी तो लेना चाहिए ना कि अगर लेटर आया बैंक ब्रांच मैनेजर के पास तो कैसे लिखना है एडिटर के पास आया तो कैसे लिखना है तो थोड़ा बहुत आपको अलग से आइडिया लेना पड़ेगा तो उसके लिए आप लिंक जो है वहाँ से क्लिक करके वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना बहुत ही अच्छी पीडीएफ है और उस पीडीएफ को पढ़ लेना है ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है डिस्क्रिप्टिव पेपर को लेकर ज़्यादा बर्डन बिल्कुल भी नहीं लेना है बस मैं इसलिए ये पी दे रही हूँ ताकि आप एक आइडिया लगा लो तीन चार लेटर उसमें से देखो और जो भी उसमें टॉपिक दिए हुए हैं खुद से सोचो कि अगर मेरे को ऐसा लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा बस इसके लिए मैं वो पीडीएफ आपको शेयर कर रही हूँ ओके तो उसको डाउनलोड कर लेना दूसरी बात कि मैं जो स्ट्रेटजी बता रही हूँ उससे आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा और दस से पंद्रह नंबर आएंगे इससे ऊपर आप सोचोगे सोलह सत्रह अठारह ये पॉसिबल नहीं है दस आ सकते हैं ग्यारह आ सकते हैं बारह आ सकते हैं तेरह और चौदह या फिर पंद्रह इससे ऊपर आपको एक नंबर भी नहीं आएगा मेरी स्ट्रेटजी के जरिए तो अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नंबर चाहिए तो मेरी स्ट्रैटी फॉलो मत करना मेरी स्ट्रैटी उन बच्चों के लिए है जिन्होंने इस वजह से फॉर्म नहीं डाला कि उन्हें और डिस्क्रिप्टिव से डर लगता है और कहीं ना कहीं वो नहीं कर पाते हैं तो बस उनके लिए है कि आपको बस मैं इतना बता दूंगी कि आप वहाँ पे फेल नहीं होगे कट कटअप आप आपकी क्लियर होगी मेरे बारह या फिर तेरह नंबर थे मुझे याद नहीं बस इतने ही नंबर थे लेकिन उससे क्या मैटर करता है मैटर ये करता है कि मेरा सेलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में हो गया बैंक ऑफ इंडिया में हो गया हुआ था ना सबको पता है मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ था तो करना क्या है कि मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है इसके अलावा दूसरे जो सेक्शन है जैसे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश और जी के इसमें ज़्यादा स्कोर करना है मान लो आपके बारह नंबर आए डिस्क्रिप्टिव में तो इसमें आपको मैक्सिमम देखो बारह से लेके कर बी सी सब के आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ले, लेवल का सी बी एस सी बोर्ड का बच्चा होता है या फिर जिनकी थॉट पावर बहुत अधिक अधिक होती है ना उनके ही बीस प्लस आते हैं तो आपको क्या करना होगा आप इधर कम ला रहे हो ना तो इसमें चार पाँच नंबर आपको बढ़ाने होंगे ठीक है तो यानी कि दोनों तरफ आपको मैच करना होगा ना तो अगर इधर कम ला रहे हो तो इन चारों सेक्शन में तो दो नंबर आपको ऊपर लेकर आने होंगे तभी आप बाकी से आगे निकल के आओगे तो यहां पे आप ज्यादा मेहनत कर लेना ये जी के करेंट अफेयर्स बैंकिंग अवैंट्स यहाँ पे आप ज़्यादा मेहनत कर लेना लेकिन आपका ये होगा कि आप डिस्क्रिप्टिव में फेल नहीं होगे और बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी रत्ती भर भी नहीं जो बोलते हैं ना कि आप भारी भाड़ कम वर्ड्स का यूज करो ये लिखो वो सब गलत है सब मिथ है सब मिथ है बहुत ही साधारण शब्दों में आप लिख के डिस्क्रिप्टिव पेपर पास कर जाते हो डिस्क्रिप्टिव का मन डर से निकाल दो और पीओ का फॉर्म भरना स्टार्ट कर दो अगर इसके कारण नहीं भर रहे हो तो ठीक है मैंने कैसे किया था मैंने अपनी पूरी लाइफ में ना तो काउ पे से लिखा और ना ही कभी किसी को लेटर लिखा है है ना मैंने इन दोनों में से कोई काम नहीं किया था जब यहाँ तक कि आपको पता है मैं आई वी पी में मैं देने भी नहीं जा रही थी मैं सोची कि मेरा तो होगा ही नहीं क्या देने जाना है फिर आप लोगों के कमेंट आए कि नहीं दीदी अगर प्रिलिम्स निकला है तो जाओ दो तो आई वी पी मैंने मेंस भी दिया था तो मेरी इतनी भी सोच नहीं थी बताओ मैं वहाँ पे जाके सोच के अपना लिखी जो भी लिखना था तो जब मैं पास कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो बस सिंपल सा आप यूज़ करना है देखो क्या करना है कि लेटर पे कमांड करना है लेटर पे कमांड करना है लेटर में आपको आठ से नौ नंबर लेकर आने हैं और जो ऐसे होता है उसमें चार से लेकर कर पाँच नंबर बस इतना ही हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा छः नंबर ठीक है इतना ही हमें मिलेंगे इससे ऊपर नहीं मिलेंगे लेटर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आने हैं तभी हमारा भला होगा और लेटर में आठ नौ नंबर लाना जो है ना हलवा है हलवा मैं बता रही हूँ जिस प्रकार का मैंने लेटर लिखा अगर मेरे आ सकते इतने अच्छे स्कोर मुझे पता है लेटर के कारण ही मेरा सिलेक्शन हुआ था तो अगर मेरा आ सकता है तो आपका क्यों नहीं करना क्या देखो कुछ जैसे यहाँ पे लॉस्ट बुक है ना तो ये आता है बैंक बैंक मैनेजर के पास एक तो आता है लेटर और एक एडिटर के पास आता है मैं सजेस्ट करूँगी हमेशा फॉर्मल लेटर लिखने की कोशिश करना करना फॉर्मल मतलब या तो बैंक मैनेजर के पास या फिर आपके एडिटर के पास ऐसा कुछ इनफॉर्मल मतलब अपने दोस्त के पास मम्मी के पास पापा के पास ये सारे लेटर इनफॉर्मल होते हैं हमेशा फॉर्मल लेटर को टारगेट करके अभी चलना है ओके तो जैसे कि यहाँ पे आया रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस चेक तो अभी क्या आप सब बोलते हैं कि ये लिखो मतलब बहुत सारी बातें यूट्यूब पे बताई जाती है ऐसा करो वैसा करो जो हमारे बस की बात नहीं होती है आप एक साधारण तरीके से समझो कि अगर आपका चेकबुक लॉस हो गया हिंदी में सोचो कि चेकबुक लॉस हो गया तो आप कैसे बोलोगे मैनेजर से ठीक है कैसे लेटर राइट करोगे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा दिमाग लगाओगे कंफ्यूज हो जाओगे इसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं निकलेगा ज़्यादा दिमाग सोचना नहीं है वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता है कि एकदम भारी भर भाड़ कम वर्ड्स लिखना है ये करना है वो करना है इतना टाइम नहीं होता है साधारण शब्दों में सोचो कि अगर मेरा चेकबुक गुम हो गया तो मैं मैनेजर को कैसे हिंदी में लेटर लिखूँगा बस इतना ही करना है ज़्यादा दिमाग मत लगा अगर एडिटर के पास किसी प्रॉब्लम को लिखना होगा तो मैं हिंदी में कैसे लिखूँगा वो सोचना है और उसी को जो आपके दिमाग में आए उसी को टाइप कर देना है जो भी आप सोच रहे हो वही आपको अंग्रेजी में टाइप करना है और पता है कुछ ना कुछ आपका एरर होता ही है लेटर भी लिखोगे कुछ भी लिखोगे आपका एरर होगा ही होगा तो ये मत सोचना कि एकदम परफेक्टली सोच सोच के नहीं दो चार एरर डिटेक्शन उसमें होंगे ही होंगे ओके मैंने भी बहुत सारे एरर किए होंगे मुझे नहीं पता लेकिन फिर भी मैं डिस्क्रिप्टिव में पास हो गई पास हो जाता है स्टूडेंट ठीक है तो देखो ऐसे सोचो अब एक चीज़ एक फॉर्मेट हमेशा चिपकाना है जैसे एक्स वाई जेड नाम हो गया है ना उसके बाद यहाँ पे लिखना है जैसे मैंने लिखा सोनी नगर सोनी नगर ये अपना एड्रेस सोनी नगर ठीक है सोनी नगर सेक्टर सेक्टर यहाँ पर लिख दिया चौदह ये एक लाइन में लिखना है ठीक है एक्स वाई जेड सोनी नगर सोनी नगर सेक्टर चौदह ठीक है इसके बाद क्या लिखेंगे हम इसके बाद हम लिखेंगे अपना जैसे कुछ भी ज़रूरी नहीं कि आप सोनी नगर ही लिखो आप एक अपने मन से कुछ भी याद कर लो कि मुझे क्या लिखना है ओके उसी को हमेशा चाहे वो एडिटर पे आए चाहे वो बैंक मैनेजर पे आए चाहे कुछ पे आए हमें वही चिपकाना है इसके बाद आप लिखोगे न्यू दिल्ली पटना लिखो दिल्ली लिखो बेंगलोर लिखो जो मैंने सो लिखो जी कोई दिक्कत नहीं है न्यू दिल्ली इसके बाद आप पिन कोड लिखोगे छः डिजिट का कुछ भी लिखो हो गया उसके बाद आज का तर, कितना तारीख है उन्नीस उन्नीस दिसंबर दो हज़ार इक्कीस दिसंबर पूरा लिख देना दो हज़ार इक्कीस बस ये आपका एक लाइन याद रखना है इसको उठाओ कहीं पे भी चिपकाओ किसी भी लेटर में किसी भी फॉर्मल में लेटर में इतना आपको चिपका देना है इतना आप प्रैक्टिस करो क्योंकि लेटर से ही हमें क्या करना है स्कोर हासिल करना है इसके बाद हम क्या करेंगे किसके पास लिखना है ब्रांच मैनेजर ठीक है यहाँ पे आप लिखने के बाद जैसे कि आपने लिख दिया आ, क्या लिखा था आपने न्यू दिल्ली डेट 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 लास्ट में डेट था ना सत्ताईस दिसंबर है ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा आप सोचोगे तो फिर फेल हो जाओगे सत्ताइस उसके बाद एक लाइन छोड़ के टू ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो आपको बैंक मन है वो बैंक लिखो ठीक है ज़रूरी नहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही जो भी आपको मन है जो भी ब्रांच में वहाँ पे कर दिया होगा कि इस ब्रांच मैनेजर को है ना जो आ, या हो सकता है कि वहाँ पे दिया हुआ है कि बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर को लिखना है तो वहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है ओके इसके बाद यहाँ पर इसका भी कोई एड्रेस होगा न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली दोनों जगह चिपका दो पिन कोड यहाँ पर भी छः अंक का कोई भी चिपका दो ठीक है पिन कोड यहाँ पे टू ब्रांच मैनेजर मैनेजर एस मतलब इसको पूरा लिखना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ठीक है न्यू दिल्ली इसके बाद आ, आ, या फिर न्यू दिल्ली के पहले आप वहाँ लिख सकते हो और टू ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसके बाद कायम नगर कायम कायम नगर सेक्टर चौदह न्यू दिल्ली अब पिन कोड भी इसका कुछ लिख दो हो गया इसके नीचे आपको डेट लिखने की जरूरत नहीं है डेट एक ही जगह लिखा जाता है ठीक है बस इतना हो गया ये दोनों जो मैंने फॉर्मेट बताया इसको आपको हमेशा किसी भी लेटर में चिपकाना है हमेशा ओके अब आया सब्जेक्ट की बारी एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट सब्जेक्ट में कुछ नहीं करना है जो क्वेश्चन में आपका दिया होता है जो भी टॉपिक जो भी मैटर वही आपका सब्जेक्ट हो गया रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस चेकबुक रिप्लेसमेंट ऑफ ये एक लाइन में लिखना है लॉस्ट चेक बुक ठीक है ये आपका सब्जेक्ट यहाँ पे जो भी मैटर होगा वही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा ठीक है इसके बाद सर से याद करो, सर अब आप मान लो हिंदी में लिखते हो तो कैसे लिखते हो मैं आपके सिंपल लिखना है बिल्कुल ज़्यादा लेंदी नहीं करना है ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना मैं आपके ब्रांच का खाताधारी हूँ है ना खाताधारी हूँ ठीक है मैं आपके हिंदी में आ, आपको ऐसे ही हि, हिंदी को अंग्रेजी में करके लिखना है आई एम एन अकाउंट होल्डर ऑफ योर ब्रांच ठीक है ठीक है इसके बाद मैं आपके आ, आ, मैं आपके ब्रांच का खाता भी हूँ ओके मैं मेरा यहाँ एक सेविंग अकाउंट है मेरा यहाँ एकदम सिंपल जैसे आप लिखते हो सेविंग अकाउंट है मेरे अकाउंट का नंबर माई अकाउंट नंबर माई अकाउंट नंबर इज़ वन जीरो वन 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 ठीक है ये इतना हो गया इतना सोचो कोई आपका हुआ ना पैंतीस से चालीस वर्ड्स इतना दूर में हो गए होंगे मतलब इंट्रो से लेके आपका एड्रेस से लेके इतना होगा ना पैंतीस से चालीस उसके बाद यहाँ पे लिखो आई एम राइटिंग आई एम राइटिंग दिस लेटर दिस लेटर लेटर उसके बाद क्वेश्चन क्या था फॉर द रिप्लेसमेंट फॉर द रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस चेकबुक ठीक है यही सेम मैंने यूज़ किया था जो मैं आपको बता रही हूँ ना जैसा मैं बता रही हूँ वैसा ही मैंने लिखा था मतलब जो भी क्वेश्चन में था उतना लिख दिया तो यहाँ पे आप कितना लाइन हुआ जैसे मैं आ, मैं आपके ब्रांच का खाताधारी हूँ हुआ, हुआ मेरा आ, मेरा यहाँ पर एक सेविंग अकाउंट है हुआ मेरा अकाउंट नंबर इतना है मैं आपको इस संबंध में इस संबंध में लेटर लिख रहा हूँ हुआ ठीक है उसके बाद एक रीज़न दे दो कि चेकबुक आपका क्यों खोया चेकबुक आपका क्यों खोया कुछ भी आप रीज़न दे दो कि ट्रेवलिंग के दौरान आई लॉस्ट माय चेकबुक है ड्यूरिंग ट्रैवलिंग आई लॉस्ट माय चेकबुक ओके सो आई रिक्वेस्ट मतलब सो so, मतलब इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे एक नया चेकबुक इशू कर दिया जाए ओके okay? इसके बाद सो आई रिक्वेस्ट अच्छा उसके पहले आप एक चीज़ और जोड़ सकते हो कि मेरा चेकबुक नंबर चेकबुक नंबर या फिर Uh, मतलब चेकबुक मेरा किस ईयर uh, में इशू हुआ था ये लिख सकते हो कि मेरा चेकबुक इस ईयर में इशू हुआ था ठीक है इतने अभी उसमें uh, जो आपका होता है ना नंबर ऑफ पेजेस फॉर चेकबुक ये लिख सकते हो कि अभी रिमेनिंग था और मैंने uh, वो चेकबुक खो दिया ड्यूरिंग ट्रैवलिंग uh, ऐसा लिख सकते हो मतलब अपने मन से क्या क्या तुम एक हिंदी में लिख सकते हो आप लोग वो चीज़ें आपको करनी है है ना और वही साधारण सी चीज़ें आपको लिखनी है लेटर में ओके तो उसके बाद क्या है कि मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि मुझे नया चेकबुक इशू कर दिया जाए और जल्दी से जल्दी टू इशू एज़ सुन एज पॉसिबल और इसके लिए मैं आपका सादा आभारी रहूँगा आभारी रहूँगा इसके बाद आप क्या लिख दोगे इसके बाद ये भी लिख सकते हो नीचे में कि मैं अपने इस लेटर के साथ मैं अपने इस लेटर के साथ लेटर के साथ अपने सारे बैंक डिटेल्स के डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहा हूँ ठीक है इतना आप लिखोगे ना तो आपके 120 से लेकर और 140 वर्ड्स के अंदर आ जाएंगे ओके 120 से लेकर और 140 उसके बाद लास्ट में आप अपना नाम तो लिखोगे ही ए, एक आध में एक आध अक्षर में नाम नहीं भी लिखोगे तो चलोगे तो 120 से लेकर 140 कहने का मतलब कि कुछ चीज़ें आपको हमेशा चिपका के रखनी है कुछ चीज़ें जैसे कि एक सेकेंड और क्या आप चिपका सकते हैं तो ये मैंने लिखा अभी जैसे आई रिक्वेस्ट यू टू तो काइंडली ग्रांड चेक बुक इफ़ नेसेसरी आई विल बी हैप्पी टू प्रोड्यूस सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स विच में रिक्वायर्ड इन दिस कंडीशन ठीक है तो यहाँ से यहाँ तक जो है ना हर लेटर में अगर आपको ए के लिए लिखना है तो आई रिक्वेस्ट यू टू तो काइंडली ग्रांट ए अगर कोई लोन लिखना है तो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लोन ठीक है और ये वाला पार्ट आपको लिखना ही लिखना है ठीक है तो कितना वर्ड हुआ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस मतलब ये मिला के आपके पच्चीस तीस हो ही गए नीचे सबसे नीचे तो सबसे नीचे आपको ये पच्चीस तीस हो गए ठीक है ऊपर में जो आपने इंट्रोडक्शन दिया वो अलग हो गया पच्चीस तीस है ना तो साठ नंबर साठ तो आपके ऐसे हो गए साठ पैंसठ तो आपके ऐसे हो गए बाकी आप सा, पचास साठ वर्ड्स आप अपने से बना के कुछ भी लिखो कि एटीएम खो गया कैसे खो गया मेरे बैंक में आपका ये एटीएम चाहिए तो क्यों चाहिए ताकि मेरी जो ट्रांजेक्शन है वो स्मूथली हो जाए ठीक है तो ऐसे ही आपको हर चीज़ में चिपका देना हर लेटर में मतलब स्टार्टिंग में स्टार्टिंग का जो मैंने बताया है एक्स वाई जेड ठीक है और यहाँ तक मतलब आ, सब्जेक्ट तक वो आपको चिपका देना है इसके बाद मैं आपके ब्रांच का ये हूँ वो हूँ ठीक है वो चिपका देना और लास्ट में ये चिपका देना और बीच में चालीस पचास वर्ड्स अपने मन से लिख लेना है तो ये होगा कि नहीं होगा बिल्कुल होगा और इतने पे आपको आठ नौ नंबर आ जाएंगे ठीक है इतने पर आपको आठ नौ और इसी तरह आपका एडिटर पर भी होगा ना तो एडिटर पर भी आपको ऊपर नीचे ठीक है ऊपर का यहाँ का और यहाँ का पार्ट आप ओली बोर्ड का जो मैं पी दे रही हूँ ना वहाँ से कोई भी पसंद करके आप ओली बोर्ड का जो मैं पी दे रही हूँ उसमें कोई भी लेटर देखना एडिटेड वाला एडिटर के ऊपर जो भी होगा उसमें यहाँ से जैसे स्टार्टिंग का पार्ट और एंडिंग का पार्ट हमेशा याद कर लो ठीक है और बीच का पार्ट अपने मन से बनाना है ठीक है तो वहाँ से पीडीएफ से आप देख लेना कि स्टार्टिंग और एंडिंग आपको कौन सा पार्ट से करना है बस इसको दो चीज़ याद कर लो बैंक के लिए एक चिपकाने वाला याद कर लो और एडिटर को चिपकाने वाला याद कर लो बस हो गया आपका काम आठ नौ नंबर का ठीक है इसके बाद आते हैं आपका ऐसे पे ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको एकदम आसान भाषा में लिखना है एकदम आसान भाषा में ज़रूरी नहीं कि आप भारी भड़कम भाषा में लिखो आपको अगर एन पे दे दिया जाए जैसे कि कुछ पे भी दे दिया जाए तो आप कितना उस समय सो सकते हो जैसे एन हो गया या फिर कुछ भी दो चार दस टॉपिक जो भी है है ना जो करेंट में चल रहे हो उसको पढ़ लो वो भी पी से मिलेगा उसको पढ़ लो और अपने आप से बना के वहाँ पर लिख देना होता है तो आप उससे क्या होगा दस से लेकर पंद्रह नंबर तक आपको ईजिली मिल जाएंगे बाकी लेटर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है ओके लेटर पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है ऐसे में आप 100 डेढ़ सौ जो मन में आए ठीक है ग्रामर सही करते हुए आप अपने मन से लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ है ना वहाँ पे इतना दिमाग नहीं चलता है ख़ासतौर से हमारे बच्चों का जो भाड़ी भरकम लिख सकें मैंने भी ऐसे ही किया था इकनॉमी हाउ फॉरेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर इकनॉमी पे आया था मेरा तो पता है मैंने कैसे लिखा था देखो लिखा था कि फॉरेस्ट में लकड़ियाँ होती हैं है, है ना लकड़ियों से लकड़ियाँ विदेशों में भेजी जाती हैं वहाँ से बेचने से ए, एक्सपोर्ट करने से पैसे बनते हैं और वो पैसे हमारी इकोनॉमी के लिए ज़रूरी होते हैं सोचो मैंने ऐसा लिखा था फॉरेस्ट में जो लकड़ियाँ होती हैं उनको उनको काट के कागज़ बनाया जाता है और उस कागज़ को बेच के हमें पैसे मिलते हैं उससे हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है तो इस टाइप का मैंने ऐसे लिखा था वही वैसे ही आपको अपने मन से सोच के लिख देना है और आपके 10 से 15 मार्क्स मिल ही जाएंगे हंड्रेड एंड टेन परसेंट मैंने मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है बाकी प्रोफेशनल तरीके से अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हो मेरे से नहीं हुआ था तो मैंने यही दिमाग लगाया था आप भी लगा सकते हो तो पीडीएफ आप ले लो पीडीएफ डाउनलोड कर लो डिस्क्रिप्शन से और वहाँ से एडिटर वाला और बैंक वाला एक देख लो कि कौन सा चिपकाना है ठीक है इसके बाद एस में भी वहाँ से पढ़ लेना और दो चार दस टॉपिक पढ़ लेना और ऐसा कुछ कर लेना कि इकोनॉमी पे आएगा तो ये ये मेरे को चिपकाना है एन पी आएगा तो ये ये मेरे को चिपका देना है पॉल्यूशन पर आएगा तो ये ये चिपका देना है बस आपका काम बन गया और बाकी सब्जेक्ट में आपको ध्यान देना है कम से कम इसमें आप फेल नहीं हो चलो कैसा लगा ये वीडियो बताना जरूर कमेंट में ऑल द बेस्ट